हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में 21 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में SSCGD में जो मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने टाइम एंड वर्क से है, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। बोला S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है। S1 जो है एक काम को अकेले 16 दिनों में कर सकता है। S2 अकेले इस काम को 80 दिनों में, S3 की सहायता से हुए उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो S3 अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, मतलब S3 अकेला कितने दिनों में करेगा। तो एगो था S1, लिख लेते हैं पहले। तो देखिए जैसा कि दिया हुआ है तो मैंने लिख लिया आप, ठीक है। S1 16 दिन में, S2 80 दिन में, और वो क्या कर रहा है कि S3 मतलब किसी को दया आ गया, S3 को तो आ गया उनको मदद करने के लिए। तो तीनों मिलकर कर रहे हैं तो क्या कर दे रहे हैं, 6 दिन में काम कर दे रहे हैं। तो पूरा टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम निकालने के लिए क्या होगा, इनका LCM निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो 16 25 80 मतलब 120 हो जाएगा क्या, 120 कटेगा नहीं कटेगा, यानी 240 कोई ऐसे संख्या लेंगे जो कि मतलब तीनों से कटे, ठीक है, कितना बड़ा या छोटा ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 240 हो गया, यानी हम मान लेते हैं कि ये 8 है, 240 ईट टोटल होना है। जैसे S1 ढोएगा तो 16 दिन में ढो देगा, S2 ढोएगा तो 80 दिन में ढो देगा। तो 16 दिन में 240 ईट ढोएगा तो एक दिन का पहले निकालते हैं। तो एक दिन में कितना कर लेगा, तो 16 एकम 16 16 25 80, यानी 15 एक दिन में कितना ढोएगा, 15 ईट ढो सकता है। ये S2 तो 8 3 के 0 0 8 3 के 24 240 ईट 80 दिन में, तो एक दिन में कितना ढोएगा ये, तो 3। अब ये क्या बोल रहा है कि तीनों मिल जा रहे हैं, ठीक है, तीनों मिलकर कितना है 6 में, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर सकते हैं, तो 6 4 24 यानी ये 40 ईंट ढो सकते हैं एक दिन में तीनों मिलकर। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन, अब क्या है देखिए, S3 अकेले उस काम को, तो S3 अकेले, तो यहाँ पे S1 S2 S3 मिल के 40 कर रहा है ना, एक दिन में ढोएगा। तो अब S3 कब देखो भैया, इस सपोर्ट देने के लिए आया तो नहीं होता है कि थोड़ा सा मदद करते हैं तो पीछे वाला भाग जाता है। तो ये दोनों देख लीजिए, ये दोनों S1 S2 धोखा दे के भाग गया, तो ये अकेले अब बेचारा को करना है। तो S1 S2 करता है तो कितना में करता है, तो 15 3 18 करता, अब ये बेचारा 12 कर रहा है अकेले, ठीक है, तो 12 एक दिन में कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये मतलब ये भी कमज़ोर नहीं है। तो एक दिन में 12 ईट ढोएगा, तो 240 ईटों को कितने दिन में ढोएगा, तो 240 बटा में 12, तो 12 2 24 यानी 20 दिन में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, गलती कर रहे हैं क्या कहीं, देखते हैं फिर से, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर गलती हो रहा है, देखिए क्या यहाँ गलती क्या हो रहा है, गलती कोई खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये S1 S2 18 को नहीं ढो रहा था, तो ये कितना ढो रहा है, 22 ढो रहा है, तब जाके 40 होगा ना। S1 S2 प्लस S3 तीनों को मिला के 40 है। तो S1 S2 धोखा दे के भाग गया, तो S1 S2 धोखा दे के भागने से कोई फर्क पड़ेगा इसको, क्योंकि ये अकेला कितना ढो सकता है, 22 ढो सकता है एक दिन में। तो एक दिन में 22, तो 240 कितना दिन में, तो 240 बटा 22 11 120, यानी यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 120 बटा में 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बुढ़मास से है, ठीक है, यहाँ पर 2 6 12 यह हो जाएगा 12 12 -9 हो गया, यानी 3 हो गया, 3 12 -9 यानी यहाँ पर 3 हो गया, 14 3 17 यानी टोटल का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 17 हो गया। ये कितना कट जाएगा, तो 268 × 4 मतलब ये भी 17 बार में कट जाएगा, 17 × 17 कितना हो गया, 289 289 / 289 तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपये का अंतर है, यदि लाभ 10% है तो विक्रय मूल्य कितना है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपये का अंतर है। अब बोल दिया यहाँ पे कि 10% लाभ हो रहा है, तो जैसे पक्का लाभ हो रहा है तो 10% ही तो है, तो 120 रुपये का अंतर यानी 10%, यही तो अंतर है, 10% बराबर ही अंतर है ना, तो 10% बराबर 120, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200। अब आगे देखते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, देख तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये तो 100% क्या हो जाएगा, 10% तो ये लाभ था, तो 100% क्या हो जाएगा, ये तो क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या बोल रहा था, सॉरी ये थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दिए यहाँ पे, तो 100% इतना हो गया, तो 10% लाभ था, तो 110% निकालना है, तो 110% कितना हो जाएगा, तो 1200 चाहे 120 × 11 कर दीजिए, ये भी हो जाएगा, चाहे 1200 1200 बटा में करेंगे आप, कहाँ 1200 बटा में 100 × 11 करेंगे, तो 20 से 20
सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा इंटू 110 है ना, तो 12 12 एकम 12 के 2 12 एकम 12 एक 13, 0 1320। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ शॉर्टकट में डायरेक्ट कर सकते थे कि 10% बराबर 120 दिया है तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य 110% पर बेचा है, तो 120 बटा में 10 इंटू 110, ठीक है, चल सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपये, ये देखो मंगा गया, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग है, चक्रवृद्धि ब्याज से है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 1000 रुपया 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो 464.1 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा तो टाइम क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष, ठीक है। दर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो आर को हम मान लेते हैं, आर कितना हो जाएगा, तो आर बाई 2 हो जाएगा परसेंट। मूलधन कितना दिया है, पी बराबर दिया है यहाँ पे 1000, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्र धन मतलब कितना हो जाएगा टोटल, तो 1000 प्लस 464.1, तो जोड़ के लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगा जहाँ तक समझ रहा हूँ कि समझ सकते हैं आप लोग, 1464.1 हो गया यहाँ पे एक्यूरेट सब कुछ डाटा के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट मतलब होता है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन 1000 रुपया था, 464.1 था, ये इस पर जगह नहीं है इसलिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अमाउंट हो गया, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, तो पी इंटू 1 प्लस r/100 n होता है ये, ठीक है। तो फार्मूला आप लोगों को ये पता होगा इसलिए बताते हैं अब, ठीक है, ये लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है, एक अमाउंट कितना हो गया 1464.1, पॉइंट को हटाते हैं, नीचे 10 बढ़ा देंगे, उधर पी था तो पी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इधर नीचे हो जाएगा, ऊपर है तो उधर 1000, 1.0 वहाँ पे था तो 1 0 नीचे है, यानी हो गया बराबर 1 प्लस r/r का मान कितना, r/2 इंटू 100 है, r/100 यानी 200 हो गया यहाँ पे, के पावर टाइम कितना है 4, n मतलब पावर n होता है ना, तो n वही टाइम को दर्शाता है, 4 हो गया, ठीक है। तो अभी पिछले वीडियो में बताया था कि 14641 क्या होता है, 11^4 के बराबर होता है, ये 10000 हो गया, तो 10 11/10^4, पावर सेम करना होता है बाबू यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस r/200, जो पिछला वीडियो देखे होंगे तो उनको आ गया होगा ये, ठीक है, क्योंकि सेम ऐसा ही था, मतलब अंक अलग था लेकिन क्वेश्चन यही था, ठीक है। वह उसका भी 11/4 बन रहा था, इसका भी बन गया, 4/4 ख़त्म। तो अब देखिए इसको हम बताते हैं, तो यहाँ देखिए इनको बता देते हैं, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं या कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक इधर है तो इधर आएगा, तो 11/10 - 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 10 11/10 यानी 1/10 हो जाएगा, 200 इधर से उधर से इधर आएगा, तो यानी इधर हो जाएगा 200 बराबर आर हो गया, 1 0 है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ 20 बचेगा, यानी आर बराबर 20%। ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 5 नंबर बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये होता है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 15 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये नहीं दिया है, तो 15 17 किसका होता है, तो 8 का होता है, 8 15 17। अब कैसे निकालेंगे, इसका निकाल सकते हैं आप, एल स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर, सॉरी चल लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, छोटी दोनों भुजाओं का स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है, ठीक है, योग के बराबर होता है, यानी 15 ऐसे होता, रुको, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आ जाएगा मान लो, ठीक है। सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर 17 का स्क्वायर करेंगे बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये करेंगे ना तो आ जाएगा बराबर, ठीक है। तो आप इसका क्या हो जाएगा, तो हाइट दे दिया मतलब बेस, सॉरी फिर से यहाँ पे, तो क्या होता है, एल बराबर एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण दिया है लंब दिया है तो आधार निकालना था, तो कर्ण लंब निकाल के एल उसके फॉर्मूला से निकाल दिया तो बी आ गया 8, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है इसका कितना,
एक बटा में दो इंटू आधार, आधार कितना हो गया 20, 8, ऊंचाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई 15 दिया है, 2 चौके 8 यानी 15 चौके 60, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? कितना है तो मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, 40% छूट यानी 60% पे बेचा गया, फिर क्या बोला 50% और छूट दिया गया यानी 50% लिया गया उससे भी, तो कितना में हो गया 204 रुपया में। अब इसका यहाँ से एक्स का सोल्यूशन निकालेंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, 10 20, 20 ख़त्म, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, ठीक है, 6 से कट जाएगा ये 6 3 18, 6 चौके 24 यानी एक्स बराबर 20 उधर जाएगा तो क्या होगा 34 2 68 0 यानी 680, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यदि 11 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो अब देखिए यहाँ पे हम सी पी मान लेंगे 100x, क्रय मूल्य कितना है 100x मान लिए, अब प्रश्न के कौन चलते हैं तो बोला कि उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है तो ये अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 110x हो जाएगा, क्यों क्रय मूल्य से उतना है, क्रय मूल्य 100x माने हैं। आगे देखिए, यदि 11 रुपया की छूट देने के बाद, यदि 11 रुपया की छूट देने के बाद यानी छूट देगा तो अंकित मूल्य पर देगा ना, क्रय मूल्य थोड़ी ना कोई बताएगा, कौन आपको दुकानदार पर जाएंगे दुकान के पास तो आपको थोड़ी ना बोलेगा कि हम क्रय मूल्य इतना में खरीदे हैं, आपको एकरे पर छूट देंगे, नहीं देगा ना, MRP पर छूट देगा यानी अंकित मूल्य पर छूट देगा, फेस वैल्यू पर, ठीक है। तो 110 एक्स में से 11 रुपया काट रहा है भैया, 11 रुपया छूट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है, तो बेच रहा है 132 में। ध्यान रखिएगा कभी भी क्रय मूल्य पर छूट दुकानदार आपको नहीं देगा। तो 110x हो गया, ये तो 110x 11 उधर जाएगा तो 143 हो जाएगा यानी 110x बराबर कितना हो जाएगा 143। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से आगे देखते हैं, पूछा क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ पे पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे कितना होगा, ठीक है, तो क्रय मूल्य तो यहाँ से 110x बराबर इतना दिया है तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, तो 110 बट 143 बटा में 110x इंटू 100x, एक से एक खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 11 से 11 कम 11 1 33 यानी 130 रुपया यहाँ पे आ गया, कितना ये हो गया हमारा क्रय मूल्य यानी CP आ गया, ठीक है, क्योंकि 100x बराबर निकाले थे फिर, ठीक है, 130x आ गया। अब क्या बोल रहा कि तो लाभ प्रतिशत, अब बताइए, तो देखिए मेरी गलती यहाँ पर थोड़ा सा हो गया, यहाँ x लिखने की वजह से गलती हो रहा है मेरा, ठीक है, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ क्या हो गया, तो 100x बराबर आ गया हमारा कितना 130 यानी 100x यानी क्या CP हो गया ना, 100x का निकाल दिया ना हम यहाँ पे, 130 रुपया हो गया यानी क्रय मूल्य कितना है रियलिटी में 130 रुपया, और बेचा कितना में है तो x छूट देने के बाद 132 रुपया में, यानी कितना प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का, ये SP है ना, बताया गया कि 132 रुपये 11 पे छोड़ने में 132 में बचा गया, तो 2 रुपया प्रॉफिट हुआ कितना पे 130 पे इंटू 100 कर देंगे, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है ना, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है यहाँ पे, इंटू 100 कर दिए। अब देखिए 10 से 10 ख़त्म, 10 से 10 ख़त्म, तो 2 2 20 20 बटा में 13, तो इसको आप करेंगे ना तो 1.53% आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपया है और इसमें पहले 10% की कमी, सॉरी 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य क्या है? तो इसको XY वाला जो फार्मूला बताया था ना उस पर भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए XY वाला भी बता देते हैं पहले, तो XY वाला क्या हो जाएगा, तो 10% पहले वृद्धि हुआ है तो X प्लस वाई
क्योंकि ये कमी हुआ है तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 10 × 15 / 100 इसे भी करेंगे तो हो जाएगा। इस पर करके तो जितना भी आएगा प्लस माइनस आएगा तो उसके 500 का निकाल देंगे तो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वैसे हम ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो 500 रुपया है घड़ी, पहले क्या कर रहा है 10% की वृद्धि कर रहा है यानी 110%, फिर क्या कर रहा है 15% की कमी कर रहा है यानी 85/100। ठीक है, अब देखिए इसको कटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखिए 5 से ये 2 बार में, 85 से 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 एकम 85 85 एकम 85 8 85 8 85 8 93/2। तो अब देखिए 2 × 8 = 46 × 92, 1 + 7 = 14, 400 किस में है, ऑप्शन 2 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अंक अधिक है तो मान क्या है। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 27%, मान लेते हैं संख्या वो x है तो इसका 27% यानी 27% क्या बोल रहा है, उसी संख्या के 13% से यानी x का ही 13% से 13/100 से क्या है 56 अधिक है, यानी 56 अधिक है तो 56 कितना जुड़ेगा, ये क्या है 56 अधिक है। ठीक है, तो संख्या का मान कितना है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा, तो अब देखिए ये हो जाएगा किधर, इधर 100 इधर आ जाएगा तो 5600। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5600 + 27x बराबर कितना हो जाएगा 13x। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा तो 100 100 यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ा के यहाँ पे 100 यहाँ पे 100 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसको हटा देते हैं हम यहीं से। ठीक है, जगह कम है तो देखिए अब ये 13x 27x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे गलती किया है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोला था 27%, देखिए फिर से करते हैं, संख्या का 27% यानी 27x/100 बोला 13% से यानी 13x/100 से 56 अधिक है यानी 56 इधर जुटेगा ना, ना कि उधर जुटेगा। ठीक है, तब तो इसके बराबर 27% जो है इससे क्या है ज़्यादा है। अब हो गया, यहाँ से सोल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए अब बन जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया उल्टा, सॉरी वहाँ पर ध्यान नहीं गया मेरा, इधर बगल में थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है उसके वजह से उधर ध्यान जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 13x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13x 27 में 13 जाएगा 14x हो जाएगा। ठीक है, 14x बराबर इतना है तो 14x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5600 हो जाएगा, तो 5600 14 से 14 = 56 यानी 400 हो गया यहाँ पे। अब क्या पूछ रहा था, संख्या का मान क्या है, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, x के बराबर यही पूछ रहा है ना, तो 400 आ गया इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है, इसके टाइप पे मतलब 2-3 सीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए बोला टी यू और भी का औसत भार 42 kg है, टी प्लस यू प्लस भी, अगर औसत भार 42 दिया है तो क्या हो जाएगा, 42 × 2 = 6 × 4 = 12। ठीक है, औसत भार दिया है इसलिए क्या होगा गुणा हो जाएगा, 3 × 3 = 3 योग करने के लिए क्या होगा 126 हो गया। अब क्या बोला टी, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन टी और यू का औसत भार 40 है, टी प्लस यू का क्या है 40, तो यानी औसत है 40, तो दो आदमी हैं तो कितना हो जाएगा 80 योग, यू प्लस भी इसका कितना है तो 36 है यानी 36 × 72 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। अब देखिए बोला यू का भार कितना है, तो हम जोड़ देते हैं क्या है ये टी प्लस यू है ना, तो टी प्लस 2 और 3 को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो टी प्लस यू प्लस यू प्लस भी। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यू प्लस भी को भी प्लस यू लिख सकते हैं, भी प्लस यू, तो इसको क्या हो जाएगा 80 + 72
प्लस 72। अब यहाँ पे देखिए 80 प्लस 72 हो गया, तो टी यू वी का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 126 है, प्लस यू इधर कितना आ जाएगा, 2 8 7 15 152, तो यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 152 तो 126 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 26, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 6 विषयों में औसत अंक दिया 75, यानी 6 विषयों का अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 6 × 75 हो जाएगा। तो 6 × 75 करेंगे तो 75 × 6 = 450, 75 × 150 दो 3 × 6 यानी 450। अब बोला एक में 80 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो एक में 80 मिल जा रहा है किसी एक विषय में, मतलब 6 विषय दिया है, एगो में 80 अंक मिल गया, तो कितना हो जाएगा ये 370। तो शेष विषयों में, तो शेष 5 का विषय बचा है, तो बाकी 80 घटा देंगे तो 5 का निकल जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कौन संख्या 11 से विभाज्य है, यह पिछले शिफ्ट में पूछा था विभाज्य नहीं है, विभाज्य है। तो क्या बताया था कि इन सम संख्याओं सम स्थान पे जो भी अंक हो उसका योग और विषम संख्याओं अंक पे जो विषम स्थान के अंक जो भी अंक है उसका योग या अंतर 0 होना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। तो देखिए 9 × 6 = 15 हो गया, 1 × 4 = 5 हो गया, 15 और 5 का अंतर वो क्या हो जाएगा, 15 और 5 का अंतर 10 यानी ये नहीं कटेगा, 8 × 6 = 14 9 × 2 = 11 3 हो गया नहीं कटेगा, 4 × 5 = 9 8 × 7 = 15 15 और 9 का अंतर 6 यानी ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए 8 × 6 = 14 9 × 5 = 14 यानी ये 0 हो गया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये कटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे सम विषम अंक समझ में आ रहा होगा ना, जैसे 9 1 6 4 दिया है, तो सम स्थान इसमें कौन हो गया, ये हो गया, ये हो विषम हो गया, ठीक है, ये मतलब इसे ऐसे जोड़ी, फिर ऐसे कोई अंक दिया होता 4 5 कुछ भी दिया होता तो फिर इसको जोड़ते फिर इसको जोड़ते, ठीक है ऐसे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला है अगला क्वेश्चन, सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, सीमा क्या कर रही है भैया, 120 दिन में पूरा करती है, अंजलि उस काम को 144 दिन में, अंजलि क्या कर रही है 144 दिन में पूरा कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिन में, सोनिया 180 दिन में, वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा, तो पहले तो हम लोगों का क्षमता देखेंगे कितना कितना है, ठीक है, पहले टोटल काम निकालते हैं, क्या करेंगे पहले टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम निकालेंगे तो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1440, ठीक है, तो 0 से 0 ख़त्म, 12 से 12 यानी इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12, मतलब 3300 रुपया तो मिला है लेकिन जो ज़्यादा मजबूत हुआ ज़्यादा ईटा ढो, मैं जैसे 1440 इंट ढोना है, अगर सोनिया के सीमा अकेले ढोती तो 120 दिन में ढोती, सोनिया ढोती तो 144 दिन में ढोती, और सीमा ढोती तो कितना में ढोती है, सॉरी ये कौन है, सोनिया लास्ट वाली सोनिया है, ठीक है, तो सोनिया कितना में ढोती तो 180 दिन में ढोती, तो भैया जो कम दिन में ढोएगा उसको तो ज़्यादा पैसा मिलेगा ही ना, तो चलिए देखते हैं उसको, अब इसका क्षमता देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दिन में मतलब कितना हो सकती है तो 12, ये कितना दें अंजलि 10, ये 18 × 8 = 44 यानी 8, ठीक है, टोटल को मिला के मिल रहा है ना, तो 12 × 10 = 22 = 8 = 30, तो 30 रेशियो मतलब मैं चाहे 30 1 कुछ भी मान ले सकते हैं, 30 / 12 कितना दिया है 3300 रुपया मिल रहा है, ठीक है, तो आपका पूछ रहा है भुगतान अंजलि का हिस्सा, तो अंजलि कहाँ है, ये है अंजलि, यानी 30 1 टोटल का दे रहा है 3300 रुपया, तो अंजलि का कितना है 10, 3300 / 30 अगुणा कर देंगे किससे 10 से, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 3 से 1100 बार में, यानी अंजलि को कितना मिलेगा 1100 रुपया मिलेगा, ठीक है समझ में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोर पर खड़े हैं, यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, जो कि 900 मीटर पूरा लंबा है ये पुल, ठीक है, एक लड़का चल रहा है 10 मीटर की स्पीड से, 10 मीटर प्रति मिनट से, ये चल रहा है 8 मीटर प्रति मिनट से। अब देखिए मैं क्या बताया था पिछले शिफ्ट में कि अगर एक साथ में एक ही दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा,
अगर एक दूसरे के विपरीत जाना है तो प्लस होगा, ठीक है। तो 900 टोटल हो गया, सफ़ेद जगह कितना हो जाएगा 10 प्लस 18, यानी एक मिनट में कितना आएंगे 18। ये भी तो इधर से आएगा, ये भी इधर से, तो दूरी तो घटते जाएगा ना, तो 18 तो कितना मिनट हो जाएगा, 18 95 50 पर घट गया है, ये मिनट में दिया है तो मिनट में ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी, मिश्रण है जिसमें कि अम्ल हो गया, ये पानी हो गया, तो इसमें कितना दिया है कि 7 और 4 है, 7 3 4 में है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है, कितना हो जाता है 7:5 हो जाता है। तो क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है तो 2 लीटर, तो यहाँ रेशियो कितना बढ़ा है, एक ही बढ़ा है ना, एक रेशियो बढ़ा है। इसी के बराबर कितना दिया है, 2 लीटर दिया है, ठीक है, मतलब एक रेशियो कब बढ़ा, 2 लीटर पानी मिलाने के बाद बढ़ा। अब क्या पूछ रहा है, तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो एक रेशियो बढ़ा है, 4 से 5 हुआ है तो 2 लीटर बढ़ा है, तो एक रेशियो बढ़ा 2 लीटर, तो 7 रेशियो बढ़ा कितना हो जाएगा, 2 × 7 यानी 14 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपया है और हानि प्रतिशत दिया है 32, हानि प्रतिशत 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है। पंखा देखा भैया, वो पंखा खरीदल गए 306 रुपया में, ठीक है, 306 रुपया में, अरे सॉरी, ये क्या हुआ, 306 रुपया में बेचा गया, SP कितना है, 306 रुपया में बेचा गया है, तो हानि प्रतिशत बोल लो 32% हो गया, लॉस हो गया उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 306 रुपये में बेच रहा है तो वो 32% के लॉस हो रहा है, यानी क्रय मूल्य का उसको कितना मिल रहा है, मान लेते हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 100% होगा ना, तो SP क्या हो रहा है, 32% लॉस हो रहा है, नहीं क्रय मूल्य के तो कितना हो गया, 68% ही उसको पैसा मिल रहा है, 32% लॉस हो गया, तो 68% बराबर दिया है 306। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100%, तो 100% निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 306/68 यानी 68 × 100 करते हैं सोल्यूशन। क्या आप सोल्यूशन एक और देखे कर सकते हैं, नहीं हो रहा अभी, नहीं गलत है, करना पड़ेगा, 34 × 68 ये कितना हो जाएगा, तो 34 × 68 ये 15 × 33 यानी 153, 306 रुपये में जा रहेगा, हाँ 153, 17 × 34 50 × 100 153 क्यों नहीं काटा, क्योंकि वो घट जाएगा ऐसे ही, 17 से 9 बार में यानी 9 × 5 = 45 कितना आ गया भैया, 450। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लेट से है समझ में, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 2^5, 3^5 और इतना का SCF पूछ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे कॉमन पॉइंट और सबसे छोटा वाला पावर लेते हैं SCF में, LCM पूछेगा तो बड़ा वाला, SCF पूछेगा तो छोटा वाला, तो 2^3 और 3^5 में क्या हो जाएगा, तो 2^3 है, 3^5 है, 2^4 है, 6 है, सबसे कम कौन है, तो 2 यही है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2^3 और 3^5 किधर है भैया, ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया है ये भी। अब देखिए दिया है P-Q = 9, P+Q = 127, तो पी क्यू का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, फार्मूला हो जाएगा AQ-BQ का फार्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप कि P+Q P² + Q² का फार्मूला हो जाएगा P-Q² + 2PQ, तो P-Q का मान यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना दिया है, 9, 9 का स्क्वायर करेंगे यानी 81 हो जाएगा, प्लस 2PQ यानी 2 × PQ का मान नहीं दिया है, 2PQ इधर P² + Q² का मान इधर दिया है, इसका मान हमको दिया है, इसका मान यहाँ लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 81 इधर घटेगा, तो 7 में से 6 12 में से 4 बराबर 2PQ, 2 से कट गया, ये कितना बार में, 4.3 बार में, यानी PQ का ही तो मान पूछ रहा था ना यहाँ पे, तो PQ का मान आ गया 23, PQ का मान 23 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का कितना आ गया, 23, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से
5 वर्षों में 2275 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या है? अब देखिए, पता ना कितना पैसा है, तो पैसा को हम मान लेते हैं 1 रुपया। आपका बोला 13% के दर से 5 बरिस में कितना मिल रहा है, कितना मिला? 2275, ठीक है। तो धनराशि कितना है, तो कमाल निकल लो। ये देखो 5 से 13 से कट जाएगा, 13 13 1 13 9 बचा, 13 7 91, 13 5 65, 6 बचा ना, 5 से कट जाएगा अभी, तो 5 3 15 2 बचा 50 25, यानी 35। चेक करो कितना आ गया यहाँ पे, 100 उधर जाएगा तो यानी 35। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे अगला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। चलिए ये वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन का लेवल कुछ डाउन था, मतलब उतना अपने था, फिर 2-3 क्वेश्चन इसमें हार्ड टाइप के थे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।